तो चैनल पर पाइथन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने भी पाइथन शुरू नहीं किया है या फिर जिन्हें पाइथन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर पूरी की पूरी तुम्हारी पाइथन कंप्लीट करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी तक 2 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट करवाए हैं एनिमेशन के फॉर्म में, मैं भी इसमें भी ट्राई करूंगा कि हर चीज़ में जहाँ हो सके मैं उतने अच्छे से तुम्हें एनिमेशन में बताऊँ सब कुछ। तो इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ने वाले हो? इस चैप्टर में पहले पाइथन का तुम इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद तुम पाइथन के प्लसेस जानोगे यानी पाइथन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, फिर पाइथन में क्या क्या चीजें मिसिंग है या फिर क्या क्या चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें तुम जानने वाले हो। और उसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि हम पाइथन को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें इंस्टॉल करने वाले हैं अपने लैपटॉप में। और यहाँ पर एक बात ये है कि जिन जिनके पास यहाँ पर अभी लैपटॉप नहीं है या फिर कंप्यूटर नहीं है या फिर उनके पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो तुम अपने फोन में ही पाइथन का सारा काम कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे से मैंने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर एक टॉपिक हर एक चीज तुम पाइथन में कैसे अपने फोन में ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, उस पर तुम देख सकते हो। तो अभी तुम्हें ज्यादा चीजें वहां पर देखने की जरूरत है नहीं, उसमें बस तुम्हें ये देखना है कि पाइथन को एंड्रॉयड फोन में कैसे यूज करते हैं, बस तुम्हें ये देखना है। और उसमें बाकी की जो भी वीडियोस है वो सारी की सारी क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th में तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, जैसे कि लाइब्रेरीज के साथ कैसे काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, SQL कैसे यूज करते हैं, फिर बाद में ये डेटाबेस के साथ कैसे हम काम करते हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि पाइथन और SQL को मिलाकर भी हम कैसे काम कर सकते हैं, और फिर तुम्हें जो प्रोजेक्ट बनाना होता है, ये सारी बहुत अच्छी चीजें तुम्हारे पास जो भी है ये सब तुम्हें क्लास 12th में पढ़ना है। तो 12th में जो भी चीजें हैं उसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और वो चीजें अगर तुम फोन में करने जाओ तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, ये प्लेलिस्ट तुम रेफर कर सकते हो उसके लिए। अब हम वापस आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन क्या है? पाइथन हम सब जानते हैं एक हाई लेवल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब हम सब उसमें समझ सकते हैं, उसमें जो वर्ड्स होते हैं जैसे प्रिंट होता है, फॉर होता है, इफ होता है, इन चीजों का मतलब हम जानते हैं, ठीक है? तो इससे हम कह सकते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और पाइथन जो है वो गुइडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? 1991 में फरवरी में ये डेवलप किया गया था। और इसका नाम उन्होंने पाइथन क्यों रखा? ये बस उन्होंने एक टीवी शो से इंस्पायर होकर रख दिया, ठीक है? अब पाइथन जो है वो 2 लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस होकर बना है। कौन कौन से लैंग्वेजेस? ABC लैंग्वेज और Modula 3 लैंग्वेज। ये तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं पूछने वाला है कोई। अब देखो पाइथन जो एक ऐसा लैंग्वेज है वो बहुत इजी टू लर्न है, ठीक है? और अब पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा इजी टू लर्न है, ठीक है? और ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, जैसे कि अभी हमारे पास क्या क्या लैंग्वेज है, सी, C++, जावा, तो इनकी तरह पाइथन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। क्या है वो? पाइथन के प्लसेस, यानी पाइथन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। सबसे पहला, पाइथन इजी टू यूज है, हम सब जानते हैं, इसलिए ही तो तुम पाइथन पढ़ रहे हो अपने क्लास 11th में। उसके बाद पाइथन जो है वो एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो और फिर अगर पाइथन में प्रोग्रामिंग करो तो तुम देख सकते हो कि वो जो कोड होगा, वो जो सिंटेक्स होगा, वो पाइथन में काफी सिंपल होगा और छोटा होगा। वहीं अगर तुम किसी और लैंग्वेज में देखो वो थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग सकता है और काफी बड़ा लग सकता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर तुम सी लैंग्वेज में 2 नंबर्स का सम करवाते हो और उसके कंपेरिजन में तुम वहीं पर पाइथन में भी 2 नंबर्स का सम करवाते हो तो उनका जो कोड रहता है वो उनमें कितना डिफरेंस रहता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, तुम चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद क्या है, पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हम सब जानते हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं और उसके बाद हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसे समझ पाए। ये काम कौन करते हैं? ये काम कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स करते हैं, ठीक है? और कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स में भी डिफरेंस होता है। कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंपाइलर्स का यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज करती है। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज करता है, और इसमें खास बात यह है कि इंटरप्रेटर जो है वो कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। अब आता है इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी देखो इसमें बहुत सारे फंक्शंस तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। अब तुम यहां पर कंफ्यूज हो चुके हो कि मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, इस पे तुम्हें कुछ नहीं पूछने वाला कोई। बस ये याद रखो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कंप्लीट है ये पाइथन जो है। अभी पाइथन की जो ये लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स वाले जो कॉन्सेप्ट है ये तुम क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, और तुम पाइथन में यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हो। और पाइथन जो है वो
क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी तुम इसका यूज जो है वो तुम चाहे तो मैक में कर सकते हो, विंडोज में कर सकते हो, लिनक्स यूनिक्स किसी में भी कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये काम करता है, इसलिए इसे पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोला जाता है। फिर क्या, पाइथन जो है वो फ्री और ओपन सोर्स है, ठीक है, यानी कि हम इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर वैरायटी ऑफ यूजेज एप्लीकेशंस है, यानी कि पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा पहले पावरफुल है, ठीक है, और इसका बहुत डाइवर्स फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, हम डेटाबेस एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशंस, जीयूआई प्रोग्राम्स में, स्क्रिप्टिंग में। अब यहाँ पर तुम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, जीयूआई प्रोग्राम्स, ठीक है, तो जीयूआई प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अभी तक तुम शायद प्रोग्रामिंग कर चुके होगे पाइथन में, तुमने देखा होगा अपने टीचर्स को प्रोग्रामिंग करते हुए, तो उसमें क्या होता है कि तुम कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, उसके बाद कुछ आउटपुट आता है, उसके बाद उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये इनपुट करो, वो इनपुट करो, इस ऑप्शन को चुनने के लिए वन दबाओ, उसके बाद फिर एंटर करो, फिर तुम कीबोर्ड से करते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पर तुम्हें कुछ फोटोज नहीं दिखते हैं, कुछ बटन्स नहीं दिखते हैं तुम्हें, वहां पर नॉर्मल सॉफ्टवेयर में जैसा होता है, ये बस कुछ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, तो उस तरह के जो कोड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कमांड लाइन कोड, ठीक है, और वहीं तुम्हारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जहां पर तुम्हें फोटोज दिख रहे हैं, आइकन्स दिख रहे हैं, तुम्हारे पास बटन्स दिख रहे हैं, कुछ डिजाइन दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ दिख रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर्स तुम्हें दिख रहे हैं इनमें ये सारा चीज तुम्हें जीयूआई दिख रहा है, ठीक है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये दिख रहा है तुम्हें, यानी कि तुम्हें जो बटन्स दिख रहे हैं वो सारी चीजें इन्हें हम जीयूआई कहते हैं, ठीक है, तो तुम जीयूआई भी बना सकते हो पाइथन का यूज करके। जब तुम अपने क्लास 12th में जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा जिसे तुम्हें डेटाबेस यानी कि पाइथन और एसक्यूएल दोनों को लिंक करके एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कमांड लाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहां पर तुम्हें वो तुमसे स्कूल वाले उतना मेहनत नहीं करवाने वाले कि तुम्हें बोलेंगे कि जीयूआई बेस्ड बनाओ, ठीक है, तो जीयूआई के लिए तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें जीयूआई सीखना है तो, वरना स्कूल में तो ऐसा कुछ काम है नहीं, यानी क्लास 11th और 12th तुम्हारा ऐसे ही निकल जाने वाला है, तो जीयूआई अगर तुम्हें सीखना तो तुम्हें अलग से सीखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था अपने क्लास 12th में, मैंने जीयूआई का यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया था, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें मैंने क्या करवाया था कि अगर मान लेते कि कोई एक क्लास है तो उसमें सारी की सारी चीज़ें एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अगर ऑपरेट हो रही है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम करवा सकते हैं, जैसे अटेंडेंस लेना हो गया, या फिर स्टूडेंट्स को ऐड करना हो गया, टीचर्स को ऐड करना हो गया, डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना हो गया, रिजल्ट बनाना हो गया, या फिर रूटीन बनाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस सॉफ्टवेयर से करवाई थी, ठीक है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उस पर मैंने तुम्हें दिखाया है कि किस तरह से दिख रहा है मेरा जो जीयूआई बेस्ड पूरा सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से दिख रहा है, मैंने वो वीडियो बनाकर रखा हुआ है, काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे उसे बनाने में, तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो। तो हम पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में। अब हम आते हैं पाइथन के माइनसेस के बारे में, यानी पाइथन में क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन जो है वो सबसे फास्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज करती है। मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, वहीं कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। तो यहां पर पाइथन क्या कर रहा है, वो इंटरप्रेटर का यूज कर रहा है, इसलिए कंपैरिजन में पाइथन जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पर तुम्हें लाइब्रेरीज कम मिलेंगी, यानी अगर तुम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो, जावा में करो, या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करो, तो तुम्हें क्या होगा कि उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी, लेकिन पाइथन में क्या है कि लाइब्रेरीज कम मिलेंगी, लेकिन हाँ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा यहां पर, इतना कि वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, नॉट स्ट्रांग ऑन टाइप बाइंडिंग, इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई एक वेरिएबल बना रहे हो तो मान लेते हैं कि वो कोई इंटीजर वेरिएबल है, उसमें हम कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, लेकिन उसी कोड में आगे जाके हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो डेटा टाइप है, यानी जैसे अभी हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं उसी वेरिएबल पे, तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई कैरेक्टर हो गया, यानी कि अगर मैं खुद का नाम स्टोर करना चाहूँ तो वो हो सकता है उसमें, यानी कि टाइप बाइंडिंग उतना स्ट्रांग है नहीं इसमें। अगर तुम वहीं सी या सी प्लस प्लस की बात करो तो उसमें यहाँ पर तुम्हें डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पर तुम पाइथन में क्या है कि वेरिएबल्स का डेटा टाइप चेंज करते रह सकते हो। चौथा क्या है, नॉट इजीली कन्वर्टेबल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाइथन में जैसा कि तुम देख रहे हो कि बहुत इजी सिंटैक्स आता है, मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि बहुत सिंपल इसका सिंटैक्स होता है, तो इस वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस वजह से अगर हम पाइथन से किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, यानी कि पाइथन में हमें कुछ बहुत सिंपल दिख रहा है तो उसे हमें अगर कन्वर्ट करना है किसी और लैंग्वेज में फिर से लिखना है तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसमें।
अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पाइथन में काम करने वाले हैं अपने कंप्यूटर में, उसके लिए क्या क्या चीजें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में बहुत सारी चीजें दी हुई है कि उसे तुम लिनक्स में कैसे चलाओगे, तुम पाइथन को किन किन सॉफ्टवेयर से चला सकते हो, जैसे स्पाइडर हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पाइचाम हो गया, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो है पाइथन के लिए वो बताने वाला हूँ, वो सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि ये वीएस कोड बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो पहले हम पाइथन का ऑफिशियल वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि वीएस कोड में कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर जाके लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है python.org, इस पर हम लोग को जाना है, डाउनलोड पाइथन करना है। फिर यहाँ पर तुम्हें ऊपर में ही दिख जाएगा डाउनलोड पाइथन 3.12। ठीक है, तो इस पर तुम्हें क्लिक करना है और ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने अभी पाइथन को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो अब मैं पाइथन को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो पाइथन पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो एड पाइथन डॉट ई एक्स ई टू पाथ, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर तुम कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, ये सारा कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, टिक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और फिर यहाँ इंस्टॉल पाइथन 3.12 फॉर ऑल यूजर्स, इस पर तुम क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर तुम ये याद रख सकते हो कि कहाँ पर तुमने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स का जो फोल्डर है उसके अंदर पाइथन 3.12 नाम का एक फोल्डर है, उस पर तुम इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हें याद है। चलो ठीक है, अब इंस्टॉल करते हैं। और जब तक यहाँ पर मेरा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वीएस कोड का जो सेटअप है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डाउनलोड वीएस कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे पास एक आईडी है। देखो, पाइथन का भी एक आईडी हमें मिल जाता है जब तुम पाइथन इंस्टॉल करोगे, तो ये भी तुम्हें एक आईडी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो वीएस कोड है वो काफी ज्यादा बेटर है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे तुम्हें फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे एक्सटेंशन मिलेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलेगा तुम्हें उसमें, और वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। उसमें तुम कोड करोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। और पाइथन शायद तुम्हें थोड़ा, पाइथन का जो आईडी है उस पर अगर तुम कोड करो तो थोड़ा बोरिंग लगे तुम्हें। मैं तो अभी तुम्हें जो भी प्रोग्राम्स बना के दिखाने वाला हूँ, जो कुछ भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो सब मैं वीएस कोड में ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीएस कोड जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तुम्हारे बुक्स में बहुत सारे अलग अलग आईडी होंगे, जैसे कि जुपिटर होगा और स्पाइडर और पाइचाम, कुछ भी हो सकता है, तुम कहीं से भी देख सकते हो। तुम्हारे पास मतलब हमारे पास बहुत सारे आईडी है। ठीक है, तो कोई भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वीएस कोड मुझे बेस्ट लगा तो मैं वीएस कोड कर रहा हूँ अभी, और विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा सेटअप वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, तो पाइथन यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज करूँगा और अगर मैं तुम्हें पाइथन यहाँ पर खोल के दिखाऊँ, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। पाइथन यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ आइडियली दिख रहा है पाइथन का, इस पर अगर तुम क्लिक करो तो ये हमारे पास इंटरैक्टिव मोड पे आ जाता है। हमारे पास पाइथन में दो मोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। खैर, ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ पर देख लो कि किस तरह से मैं चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथन तो इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं यहाँ पर वीएस कोड पे आता हूँ। तो मैंने अभी अभी वीएस कोड के सेटअप पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास क्या खुल के आ रहा है, यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट, ओके, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर तुम चाहो तो डेस्कटॉप आइकन क्रिएट भी कर सकते हो, और ये दोनों जो चीज़ें हैं इसे तुम्हें टिक कर देना है, ये मैं तुम्हें बताऊँगा क्या होती है। तब तक मैं काम करता हूँ कि मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक प्रोग्राम पाइथन में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने पाइथन का आई डी एली जो है वो खोल लिया है, और यहाँ पर मैं फाइल में जाकर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पर मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बना लिया हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ। रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले ये हमें बोल रहा है कि इसे सेव करना पड़ेगा, तो सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ 1.py। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका एक्सटेंशन दे दिया .py। जब भी तुम पाइथन की फाइल्स को सेव करो तो उसका पहले नाम दो और उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो तुम्हें देना मस्ट है .py। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास ये प्रिंट होके आ गया। तो सिंपल है, यहाँ पर इस तरह से तुम यहाँ पर प्रोग्राम रन करवा सकते हो। और अब यहाँ पर हमारे पास वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है।
यहाँ पर मैं इसे फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर ये चेक किया हुआ है। तो चलो इसे लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं इसे। और तुम्हें जो थीम यहाँ पर पसंद हो उस पर तुम क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेलेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम इन चीज़ों को देख सकते हो। ये गियर आइकन है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स तुम्हें मिल जाएंगी। बेसिक क्या, तुम्हें हर एक सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी। कोई एक्सटेंशन ऐड करना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्लोरर है। ठीक है, इस पे तुम क्लिक करोगे तो तुमने अभी तक कोई फोल्डर खोला नहीं है। ठीक है, तुम काम कर रहे हो अभी, तो तुम किसी फोल्डर के अंदर ही काम करोगे, तो तुमने अभी तक कोई फोल्डर खोला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने बंद कर दिया। तो तुम एक काम करो, तुम किसी फोल्डर के अंदर चले जाओ। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से, और यहाँ पर मैं वीएस कोड को खोलूंगा। ठीक है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ही वीएस कोड को खोल रहा हूँ, यानी कि मैं अब वीएस कोड में जो कुछ भी काम करूंगा इस फोल्डर के अंदर करूंगा। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है, शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन विथ कोड। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर चेक किया था, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो बन के आ गया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं मुझे कोई फाइल बनानी है, तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, 1.py। ठीक है, एंटर करेंगे, ये पाइथन फाइल हमारी बन गई। ठीक है, और अब जब ये तुम ये काम कर रहे हो तो हमारे पास अपने आप ये एक एक्सटेंशन के लिए बोल रहा है कि पाइथन एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। तो इंस्टॉल कर लेते हैं इसे, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम अपना काम करते हैं, एक्सप्लोरर पे वापस आते हैं। यहाँ पर तुमने एक फाइल क्रिएट की है। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर ही हम सारा कुछ काम कर रहे हैं। अब हम चाहें तो पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर ही फोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, मान लेते हैं मैंने एक यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 11 नाम से। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं और भी फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ, तो इस फोल्डर को मैंने ऐसे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ गया, मतलब इस फोल्डर के अंदर आ गया हम लोग। ये जो एरो है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर है, अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड चला जाएगा तो इसके अंदर है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं SEM1 कर देता हूँ, और एक SEM2 नाम से भी मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं क्लास 11 में चला गया वापस, और अब क्लास 11 में मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, SEM2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो फोल्डर्स बना लिए। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो SEM1 के अंदर कुछ फाइल्स बना सकता हूँ, abc.py। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर इन चीज़ों में काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पर तुम्हें कुछ रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैं तुम्हें एक पाइथन का सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर ये तुम्हें रन का आइकन मिल जाएगा, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टर्मिनल में ये हेलो वर्ल्ड बन के आ गया है। तो इस तरह से तुम इसे आराम से रन कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया नहीं है, जब मैं इसे फिर से एक बार लिख देता हूँ प्रिंट, देखो मैं यहाँ पर जब प्रिंट लिख रहा हूँ तो मैंने जैसे यहाँ पर एक ब्रैकेट, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट खोला, ठीक है, तो ये दूसरा ब्रैकेट अपने आप आ जाता है। और इस ब्रैकेट के अंदर मैं एक डबल कोट्स दूंगा तो ये दूसरा डबल कोट फिर से मुझे खुद से ही ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को, तो यहाँ पर फिर से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ABC। यहाँ पर मैं इसे अगर रन करूँ तो टर्मिनल फिर से खुल जाता है, और यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड ABC ये पूरा प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम काम कर सकते हो। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पर कि फाइल्स किस तरह से बन रही है। मैं यहाँ पर एक्सप्लोरर पे वापस जाऊँ अगर, तो पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर क्लास 11 मेरे पास बन चुका है, SEM1 SEM2 दो फोल्डर्स यहाँ पर बन चुके हैं, और abc.py ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे थीम्स मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो ये था इंस्टॉलेशन पाइथन और वीएस कोड का। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है पाइथन का, इसमें क्या है कि हम दो मोड्स में काम कर सकते हैं। पहला इंटरैक्टिव मोड, जिसे हम पाइथन शेल भी कहते हैं, और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। ठीक
ठीक है, अब इनमें हम कैसे कैसे काम करते हैं ये तुम देख लो। तो अब हम देख लेते हैं कि पाइथन में इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन का जो आईडीई है उसे ओपन करेंगे। IDLE या फिर IDE, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। इनका जो फुल फॉर्म होता है IDE का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और IDLE का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। इनमें क्या अंतर होता है वो तुम्हें अभी पढ़ना है भी नहीं, तो लगभग तुम मान सकते हो कि ये सेम चीजें होती हैं। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो तुम्हें अलाउ करती है कि तुम उनपे कोड कर सको, ठीक है, उनपे तुम प्रोग्रामिंग कर सको, उन्हें हम कहते हैं IDE सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो पाइथन का IDLE है उसे हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन का जो IDLE है वो मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसे खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये बोरिंग सा जो IDLE है वो खुल के आ गया है, और इसके जगह पे मैंने तुम्हें क्या इंस्टॉल करने के लिए कहा था? VS कोड, ठीक है। और VS कोड की खास बात ये है कि तुम उसमें किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और ये पाइथन का अपना। तो खैर टॉपिक पे आते हैं, क्या होता है इंटरैक्टिव मोड। सबसे पहले बात करते हैं इंटरैक्टिव मोड की। तो इंटरैक्टिव मोड हम तब यूज करते हैं जब हम सीख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग को। अगर तुम्हें किसी एक कमांड को, किसी वन लाइन ऑफ कोड को चेक करना है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो तुम इंटरैक्टिव मोड का यूज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि हम लिख के देखते हैं, सबसे पहले मैं एक कोड चला के देखता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इनपुट ले रखा है, ठीक है। अभी मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ? मैं अभी प्रिंट कराना चाहता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो इसने मेरे को प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पर मैं प्रिंट भी लिखू, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं किया, तो देखो यहाँ पर ये मुझे डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर मैं अगर प्रिंट भी लिखू तो भी ये मुझे अच्छे से चलाकर दे देगा। यहाँ मैं कोट्स का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर तुम समझ नहीं पाओगे अगर तुमने अभी अभी पाइथन को शुरू किया है, तो कोई बात नहीं। बस यहाँ पर तुम देखते जाओ कि किस तरह से इंटरैक्टिव मोड काम कर रहा है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ए प्लस बी, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास 5 निकल के आ गया। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मैं यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक एक करके चीजों को चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ और अगर काम करवाऊं, कि जैसे यहाँ पर मैं 1 ग्रेटर देन 2 ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 ग्रेटर देन 2, इसे मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पर ये क्या लिख के आ रहा है? फॉल्स। वही 1 इज लेस देन 2 ये लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये ट्रू निकल के आ रहा है। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि मैं एक एक करके किसी भी कमांड को चेक कर सकता हूँ, किसी एक फंक्शन को चेक कर सकता हूँ, किसी कोड को मैं यहाँ पर से चेक कर सकता हूँ, अगर मैं जब सीख रहा हूँ तब। लेकिन अगर मुझे अपना प्रॉपर एक प्रोग्राम लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट मोड पे जाके। ये अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ये इंटरैक्टिव मोड है। जैसे ही तुम पाइथन का आईडीएलई जो है वो उसे खोलोगे तो तुम्हारे पास सामने इंटरैक्टिव मोड आएगा, तो तुम्हें खोलना है स्क्रिप्ट मोड। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में या न्यू फाइल, बस हो गया मेरा काम। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट मोड पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर कितना भी लंबा अपना प्रोग्राम लिख सकता हूँ, जैसे मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ। तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 5 लाइन का कोड लिख लिया है, ठीक है। तो ये काम मैं इंटरेक्टिव मोड पे नहीं कर पा रहा था, तो इसे मैं चाहूँ तो रन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं या तो F5 भी दबा सकता हूँ रन करने के लिए, या फिर यहाँ पर मेरे पास बटन है, यहाँ पर रन मॉड्यूल करूंगा, तो ये मुझे बोल रहा है सेव करने के लिए, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। कहाँ पर? डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं इसे 1.py, ठीक है, एक्सटेंशन है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये रन होके मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ये जो ऊपर का जो कुछ भी है ये सारा कुछ इंटरेक्टिव मोड का है आउटपुट, और ये यहाँ पर मेरे पास वो स्क्रिप्ट मोड का आ रहा है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये मेरा स्क्रिप्ट मोड, और यहाँ पर मेरे पास इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक प्रिंट फंक्शन था जिसका हम यूज करते आ रहे थे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने में, तो उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता दूँ। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, और ये डबल कोट तुम्हें यहाँ पर दिख रहे होंगे, और उसके बाहर तुम्हें पैरेंथेसिस दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर पैरेंथेसिस खुला हुआ है, यहाँ पैरेंथेसिस बंद है। तो किसी भी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, और उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं। तुम्हें शायद बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। उतना भी जरूरी नहीं है कि तुम इस बात को पूरे अच्छे से समझ जाओ, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो बस, ठीक है। अब प्रिंट जो है वो फंक्शन है, प्रिंट के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, तो पाइथन क्या करेगा? हमें वो चीज़ प्रिंट करके देगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कैसे डाला है? डबल कोट्स के अंदर डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा ये चैप्टर, और आगे की वीडियोस भी आने वाली हैं, और तुम्हें अगर कोई डाउट रह गया तो तुम कमेंट कर सकते हो, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।